आज अगर भगवान से कुछ और भी मांग लेता ना तो भी भगवान दे देता था। तो ऐसी कुछ खुली हुई गाड़ी अपनी लग रही है, उसके वजह से क्या हो रहा था, ओवर पावर हो रही थी बैटरी और बैटरी ज्यादा पावर फेंक रही थी। बैटरी नहीं डालाने के बाद भी बैटरी फूल गई थी। Check the mic and make sure it sound right, boys. So hey guys, again welcome back to my YouTube channel Galvishnani Vlogs. और ये नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। लोगों ने तामिनी के व्लॉग देखे रहेंगे उन लोग को पता रहेगा कि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने दिखाया था कि जब हम लोग राइड कर रहे थे तब मेरा जो मीटर है वो चल नहीं रहा था, बाइक का जो मीटर है स्पीडोमीटर है वो चल नहीं रहा, वो आज रिपेयर करने का टाइम है। सो आज थोड़ा टाइम था तो बोला कि जाके उसको रिपेयर कर देते हैं आज के दिन में। सो अभी दोपहर के 1 बज रहे और वो मीटर वाले को कॉल किया था, आज के दिन में कुछ भी करके वो काम निपटाना है क्योंकि कल के दिन, क्योंकि कल जो है अपना कुछ तो एक अलग प्लान है, और कल नहीं आज के नाइट में ही। सो वो वाला ब्लॉग आपको ब्लॉग के बाद में आपको वो वाला ब्लॉग देखने मिलेगा। तो आज के दिन में वो काम निपटा देते हैं, मीटर का काम निपटा देते हैं, कल वाला ब्लॉग बनाने के लिए अपने को फुर्सत से टाइम मिले। चलो अभी निकलते हैं, बाइक पे मिलते हैं। तो 1 जुलाई से जो कंटिन्यूस बारिश चल रही है ना वो फाइनली जाके अभी 3 हफ्तों के बाद रुकी है, और पता नहीं अरे चप्पल टूट गया है, निकलते ही चप्पल टूट गया। राइड पे मुझे ये वाला शॉट लेने नहीं मिला, चप्पल सिलाने वाला तो बंद है। सो ऊपर से ना मेट्रो आ रही थी, अरे यार मैंने इतना सेटअप किया और अभी बारिश आने लगी यार, शिट। कुछ भी नहीं है, पूरा खाली। हफ्ता भर से मीटर बंद है बट अभी तक मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था, बट अभी जब मीटर रिपेयर करने के लिए निकला तभी साला पेट्रोल खत्म हुआ। अभी ऑप्शन ये है कि विकास को भी छुट्टी है तो विकास को कॉल करता हूँ, उसको बुला लेता हूँ और करते हैं कुछ। एक ये चप्पल टूट गई, दो इसका मेमोरी कार्ड के वजह से बार बार रिकॉर्डिंग ऑफ हो जा रहा है, तीन ये मीटर चल नहीं रहा है, और चौथा मीटर ना चलने की वजह से ये पेट्रोल का प्रॉब्लम हो गया। साला जिंदगी की परेशानी खत्म का है नहीं होती बे। हेलो कुठे है? दहिसरला आले रे भाऊ, चला गेला पेट्रोल संपलाय माझा, मॅकडीच्या इथे उभा आहे मी। कुठल्या मॅकडीच्या? आपला आनंद नगरच्या वरचा पुढचा सबवेचा। थांब 10-15 मिनिट मग चला जोर येचा। हां ठीक आहे, मॅकडी के यहां पे ही हूं, उसको बोला है वो आ रहा है। एक काम करता हूं, 15 मिनट है तब तक ये चप्पल तो कम से कम सिला लेता हूं। अभी पता नहीं कैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई है, सो फटाफट अभी मैं पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ रहा हूँ। आज अगर भगवान से कुछ और भी मांग लेता ना तो भी भगवान दे देता था, जस्ट बोला गाड़ी चालू हो जाने दो यार, और गाड़ी चालू हो गई और पेट्रोल पंप पे भी पहुंच गई। अभी विकास को कॉल लगा था और बता था उसको क्या मत आ गए। हाँ जाली जाली चालू, नको यू नको यू। हाँ पेट्रोल पंपला आणली मी, जायचो चलो चलो भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पेट्रोल भी भरा लिया, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, चप्पल का भी काम हो गया। काम करने निकलो और ऐसे छोटा छोटा कुछ तो प्रॉब्लम आ जाता है ना, ये दिमाग ख़राब होता है, बट ठीक है ज़िंदगी का हिस्सा है ये। अभी फटफट जाते हैं मीटर का काम कराते हैं। सो जब ये काम हो रहा था ना मेट्रो का, तो मैं सोच रहा था कि अगर बाइक और मेट्रो ऐसे लाइन में बाजू बाजू से चलेंगे तो कितना मस्त लगेगा। सो अभी मेट्रो जा रही है, सो लेट्स सी कितनी कौन कितना फास्ट है, मेट्रो फास्ट है कि बाइक फास्ट है। अभी थोड़ी स्पीड पकड़ी हो लगे, मीटर तो अपना बंद है बट ये अराउंड 60-70 की स्पीड पे ही चल रही है, 70 भी नहीं लगता मुझे, 60 की स्पीड पे ही रहेगी। रेसिंग विथ मेट्रो, चलो मेट्रो तो बहुत स्लो चल रही है, अपन निकलते हैं, अपना काम फटाफट से निपटाना है और वापस भी आना है, और एडिट करके ये व्लॉग अगले दिन डालना भी है। यहाँ पे अपनी गाड़ी बंद गिर गई थी, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्लॉगिंग का जो एक्साइटमेंट रहता है ना और एनर्जी लेके निकलते हैं वो फिर कम हो जाता है, उसी चीज़ की बस दिक्कत है, बाकी सब बढ़िया है। अभी पेट्रोल ख़त्म होने के बाद ना गाड़ी स्टार्ट हो गया था वापस से, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो ये वाला पेट्रोल पंप या तो जो पेट्रोल पंप पे मैं गया था इधर पेट्रोल पंप वो वाला, बट ये वाला पेट्रोल पंप 2-2.5 किलोमीटर है वहाँ से जहाँ पे गाड़ी बंद गिरी थी, बट वो वाला जो दहिसर का पेट्रोल पंप है वो 1 किलोमीटर है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो पास में उसमें ही पहले जाता हूँ, क्योंकि कभी भी गाड़ी बंद पड़ सकती है, कितना पेट्रोल है पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं, इसी वजह से ये साला मीटर बनाना है मुझे ना। अगर नया लेने जाए तो 2-3 हज़ार के आजू बाजू तो रहेगा ही, इतने मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, बाकी एक्चुअल प्राइस तो ज़्यादा ही रहेगी। यहाँ पे रोड गीला है, मतलब यहाँ पे बारिश गिरी है थोड़ी देर पहले, आगे अगर बारिश वाले बादल है मतलब मोटो व्लॉगिंग सेटअप हटाने का भाई। 1 वीक पहले मैं क्या वो तामनी घाट में था, काय झाड़ी काय डूंगर काय हटे लोके, अरे क्या यहाँ पे क्या गड्ढे क्या रोड क्या ट्रैफिक, एकदम नॉट ओके यार। 2:30 बजने आया और मम्मी के हाथ दाल चावल खाना नींद आ रही। सो ये मीटर हर जगह रिपेयर नहीं होता,
कौन सा भी डिजिटल मीटर है, हर जगह रिपेयर नहीं होता, इसके बहुत लिमिटेड शॉप है। तो अमोल ने मुझे एक नंबर फॉरवर्ड किया था, सो गुड लक करके मीटर रिपेयरिंग कुछ तो शॉप है उनका नाम, यहीं पे लेफ्ट में है कहीं पे। तो लेट्स सी आदिल, आदिल गुड लक, ये देखो इधर है। सो अभी भाई चेक करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि रिपेयर हो पाएगा कि नहीं। हो जाता है ना वैसे तो, हो तो जाता है, क्योंकि मैंने शॉप के यहाँ पे देखा कि मेरे मीटर जैसे भी मीटर थे तो कर देंगे। आपका नाम आदिल भाई है कि उनका? उनका ना। आपका नाम क्या है? सो मीटर तो निकाल दिया है, अभी अनस भाई आदिल भाई के शॉप में लेके जाएंगे इसको और चेक करेंगे अच्छे से। हेलो, आदिल भाई बाद में वाटरप्रूफ तो रहता है ना, क्या बोलते भाई? बाद में अपन बनाए, कंपनी इतना अच्छा बनाई है ना, हाँ इसमें पानी ज्यादा ही नहीं। हाँ अभी तो 6 साल तक तो कभी मेरे को तकलीफ ही नहीं आया। मालूम है मीटर, मैं आपसे क्या पूछा भाई, इसकी बैटरी खराब हुई है। हाँ राइट, तो बैटरी की वजह से ही ये मीटर खराब होता है। अच्छा राइट, हाँ बस अदरवाइज खराब होने का कोई सवाल है ही नहीं। अभी मतलब खोला है तो सील वील का कुछ वापस प्रॉब्लम नहीं आया ना? सो यहाँ पे हर तरीके के मीटर रिपेयर होते हैं। ये ZMR का हो गया, ये अपना FZ का वर्जन 1 का हो गया, ये शायद हॉर्नेट हंक का आता है शायद, फिर ये अपाची का हो गया, डोमिनर, फिर ये हॉर्नेट है, एक्सट्रीम यामा FZ वर्जन 2, ये किसी स्कूटी का मेस्ट्रो का है शायद। और ये सो हर तरह की गाड़ियों का रिपेयर होता है यहाँ पे। तो ऐसी कुछ खुली हुई गाड़ी अपनी लग रही है। सो राइड पे जाने से पहले ना इसमें बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा था, सो बैटरी मैंने नहीं डाली थी, बैटरी नहीं डालने के बाद भी बैटरी फूल गई थी। तो उसको मैंने जब बैटरी वाले को दिखाया तब उसने कहा कि इसका जो चार्जर आता है जो यहाँ पे बैटरी के बाजू में रहता है, तो जो बैटरी को रिचार्ज करता रहता है गाड़ी जब चलती है तब, सो वो चार्जर उड़ गया। तो उसके वजह से क्या हो रहा था, ओवर पावर हो रही थी बैटरी और बैटरी ज़्यादा पावर फेंक रही थी। तो आदिल भाई बोल तो रहे कि मीटर बन तो जाएगा, एक बार ट्राई करके देखेंगे, कुछ तो ऐड करना पड़ेगा उसको, पावर जाने की वजह से ख़राब हुआ एक पार्ट, सो वो ऐड करना पड़ेगा, वो डाल के अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नया मीटर ही डालना पड़ेगा। सो होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ से देखो गाड़ी कैसी लगेगी विदाउट मीटर। अभी जितना टाइम बंद था वो कैलकुलेट हुआ रहेगा क्या? नहीं, तो चलो मीटर तो अपना स्टार्ट हो गया है। तो मीटर स्टार्ट हो गया और ये जो है सारी लाइट्स चल रही है, न्यूट्रल की लाइट भी चल रही है, इंजन लाइट भी चल रही है। और मेन जो है एक बात अच्छी है कि इसका जो रीडिंग जहाँ पे बंद हुआ था सो वहीं पे स्टार्ट है, तो वहीं से रीडिंग वापस स्टार्ट हो गया है। तो अपने को पुराना जो कैलकुलेशन है वो भी रहेगा। सो अभी वापस फिटिंग करेंगे सब कुछ और ओके। सो मीटर तो अपना बन रहा है, मैं सोचा कि आपको यहाँ का एड्रेस एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत कम शॉप है यहाँ पे मीटर रिपेयर करने के लिए, मुझे ही बहुत मुश्किल से नंबर मिला है। ये वाला जो रोड दिख रहा है सामने आपको, ये आ रहा है कांदिवली स्टेशन की तरफ से। अभी मैं खड़ा हूँ कांदिवली वेस्ट में MG रोड पे। सो ये MG रोड है पूरा, और यहाँ से कांदिवली स्टेशन से आप आओगे काला हनुमान मंदिर जो है वहाँ से ये वाला राइट लेना है आपको, और लेफ्ट साइड में ही तीसरी चौथी शॉप है। लिंक रोड के तरफ से MG रोड से आ रहे हो तो ये आपको काला हनुमान मंदिर वाला, ये जो सागर वाला शॉप है परसान का स्वीट्स का, सो यहाँ से लेफ्ट मारना, और लेफ्ट मारते ही आपको स्ट्रेट यहाँ से आके ये वाला शॉप है। टाइमिंग्स क्या है शॉप का? सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 8 बजे। और हफ्ते में कितना खुला रहता है, कितना दिन? हफ्ते में तो सब दिन खुला रहता है, सिर्फ संडे के दिन थोड़ा अपडेट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चलेगा, थैंक यू सो मच। चलो हाँ मिलते हैं, चल अनस बाय। चलो मीटर का तो काम हो गया अच्छे से, तो गाड़ी एकदम रेडी है, मीटर चालू एकदम शुरू है, स्टार्ट है। सो आदमी का ना काम अच्छा हो ना तो मैं अच्छे से दिखाने को भी अच्छा लगता है, एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है एकदम मीटर अपना। सो RPM मीटर भी अच्छे से चल रहा है, स्पीडोमीटर भी अच्छे से चल रहा है। ये मेन चीज़ जो अपना ओडोमीटर है जो किलोमीटर्स कैलकुलेट करता है, ये एकदम अच्छे से हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है।
ये एकदम प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, क्योंकि देखो गाड़ी बेचने की रहेगी या गाड़ी खरीदते वक्त हम लोग पहले यही चीज़ देखते हैं कि गाड़ी चली कितनी। कि 51,000 किलोमीटर चला था, 50,000 का हम लोग ने व्लॉग बनाया था, सो उसके बाद में ये मीटर बंद हो गया था 51,900 के करीबन। एक ही राइड मैंने मारी जो तामनी घाट की थी, वो विदाउट मीटर मारी, मतलब वो वाला कैलकुलेशन अपना हुआ नहीं 400 किलोमीटर का। तो समझ लो कि 400 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब 51,900 चलिए और 400 किलोमीटर वो लगा लो और 100 किलोमीटर और आगे लगा लो, मतलब 52,500 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है अभी तक। 500 का सिर्फ हम लोग गैप रख देते हैं 500 किलोमीटर का। सो काम बहुत ही अच्छा है आदिल भाई का, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो एड्रेस मैंने बता दिया है, रास्ता एक्सप्लेन कर दिया है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उनका नंबर टाइमिंग भी बता दिए। सो ज़रूर विज़िट करना अगर किसी को मीटर वगैरह का प्रॉब्लम हो गया रहेगा गाड़ी में। सो एनालॉग वाला मीटर, जो पहले कांटे वाला मीटर आता था, वो वाला मीटर भी रिपेयर होता है, प्लस ये फुल्ली डिजिटल मीटर भी रिपेयर हो जाते हैं। तो अगर किसी को मीटर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आदिल भाई की शॉप विजिट कर सकते हो कांदिवली वेस्ट में MG रोड पे। अभी मुझे ये देखना है कि इसमें स्पीड अपना किलोमीटर बढ़ रहा है कि नहीं, उसके बाद तो रेडी टू गो एकदम मस्त। सो अभी बारिश का फुल ऑन माहौल हो गया है, अभी लग रहा है किसी भी वक्त बारिश आ जाएगी। क्या करते हैं कि अभी हम लोग घर पे डायरेक्टली मिलते हैं। तो बाद में बहुत ज़्यादा बारिश आई और घर पे आ गया, और घर पे आने के बाद आधे से ज़्यादा लोग तो बाइकर्स है और उन लोगों को ज़रूर ये कभी ना कभी वीडियो काम आएगा अगर। तो यही रीज़न था ये वीडियो बनाने के पीछे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपके किसी दोस्त को ये काम आ सकता है ऐसे लगे तो उसको ये वीडियो शेयर करके रख सकते हो। जो लोग भी मछली खाने में इंटरेस्टेड है वो लोग के लिए अगला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। सो उसके लिए स्टे ट्यून, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ करते हैं।